थोड़ा कुछ बोल के दिखाए। एक बार और, एक बार और देख कितने मजे ले रहे तेरे। और बारिश बहुत ज्यादा हो गई है, बड़ी स्पीड में आ रही है। आज हो गया मौसम बढ़िया और बच्चों की पिकनिक बढ़िया बन गई है, क्योंकि बच्चों का आज आखिरी दिन है, कल से स्कूल स्टार्ट है, इसलिए आज बच्चे मौज कर रहे हैं। हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हो? वेलकम बैक माय न्यू व्लॉग। तो आज सुबह सुबह जा रहा हूँ स्कूल में, बच्चों को लेके जाना है स्टेडियम, क्योंकि ना आज कोई OTHL का फंक्शन है वहाँ पे शिवाजी स्टेडियम में, तो उसके बाद वहाँ से जाना है बच्चों को लेके, स्कूल से स्टेडियम जाना है। तो अभी मैं निकल चुका हूँ, मौसम हो रहा है बहुत अच्छा, बारिश आ रही है बूंद बूंद और थोड़ी आ चुकी है, तो बच्चे वेट कर रहे हैं। लगता है आज मानसून आ गया दिल्ली में, तो फटाफट अब स्टैंड पे जा रहा हूँ, बस पकड़ूँगा, वहाँ से पंजाबी बाग उतरूँगा, बच्चों को दोबारा से बस में बिठाना है। वहाँ से मेरे को दो बस चेंज करनी पड़ती है, इसलिए शिवाजी स्टेडियम आज 8 बजे OTHL का प्रोग्राम है, तो वहाँ पर जा रहा हूँ और आ गया हूँ स्टैंड पर, बच्चे वेट कर रहे हैं, सारे पहुंच भी गए। चलो मिलते हैं बच्चों से। देखो वेट कर रहे हैं सारे, आ गए बारिश में भी। कोई रह तो नहीं गया है? तो अब सब रेडी है स्टेडियम जाने के लिए, एक बच्ची रहती है कशिश, बाकी सब आ गए लाइन में लगे हुए हैं। और मौसम हो रहा है बहुत अच्छा, जा रहे हैं तो बस का वेट कर रहे हैं। और है ना, ये देखो तैयार है सब सुबह सुबह, ये तो नागे नहीं आ रही है। हाँ, कह रही है कल से उठी हुई हूँ स्टेडियम जाने के लिए, ना ही नहीं है सारे बच्चे। अब सब सामने बैठेंगे, वहाँ बच्चे बैठे हुए हैं, वही मेरे स्कूल वाले बच्चे, इनको जाना है उधर घूम के वहाँ, और उसके बाद पीछे बैठे द्वारका स्कूल के बच्चे। ये कैसे हो तुम्हें, अब बैठना है, मैच है, ओ इनका मैच है, तो इनका मैच देखेंगे सबका। आज लड़ा दोगे? अच्छा चलो चलो, ये पटेल नगर वाले, पटेल नगर, ये पटेल नगर के बच्चे आ गए हैं, ये जूनियर टीम है इनकी, सब जूनियर, बाकी बच्चे कहाँ हैं? हाँ सीनियर इनके आए नहीं है, ये रेडी है। कितने बजे आए? 7। सबसे पहले आए, सबसे पहले, हाँ सबसे पहले ये आए हैं, तो इनको लड्डू ज़्यादा मिलेंगे ना। जल्दी जो आया है बिन्नी भाई आ गए, 6:30 बजे, 7 बजे आ गए हो गया, 7 बजे से आए हुए भाई, बच्चे आ चुके हैं, भाई के बच्चे आ गए हैं। ऊपर मैंने दिखाया था अभी, द्वारका वाले बैठे हुए थे, न्यू बैच, सॉरी पुराना बैच, नया नहीं आया, तीनों बॉयज़ भी गर्ल्स भी। तो अभी हम तो आ गए, 8 बज गए, बाकी बच्चे आ रहे हैं। देखो पीछे टूर्नामेंट की पूरी तैयारी है, मतलब एक मैच है जो लड़कियों लड़कियों का टूर्नामेंट, और लड़कियां ही आएगी, बाकी और बच्चे भी आ रहे हैं, सर वगैरह आ गए, बॉयज सिर्फ, हाँ ओनली गर्ल्स आएगी, बॉयज तो आ ही नहीं रहे हमारे, भाई मेरे, आप क्या रहे? हाँ किसी के आ रहे हैं, किसी के नहीं आ रहे। बच्चे रेडी कर रहे हैं सारी चीज़ें, ये देखो इनको मैच भी खेलना है, ये इन शिवानी सारी फोटो देख रही है, तू नहीं इनमें? ठीक है, तो देखो चारों तरफ आज टूर्नामेंट की तैयारी है। ओनली गर्ल्स, कहाँ के हो? तो ये सापुर जट के बच्चे हैं जो नए वाले बैच के अभी आए हैं, बाकी कहाँ रह गए? अच्छा ये सर के साथ आए, सर के फेवरेट स्टूडेंट है ना, इसीलिए ना। तो मैं जा रहा हूँ अपनी टीम के पास, और टीम बैठी हुई है वहाँ पे, उसके बाद मैं अभी मैच होगा, और इंटरनेशनल प्लेयर भी बुला रखे एक दो, तो अभी तो सब रेडी हो रहा है, हम टाइम के पक्के, हम टाइम से आ गए, सर भी शौक कि टाइम से कैसे पहुंच गए, तो इसलिए मैं जा रहा हूं अब टीम के पास और बैठते हैं। बिन्नी भाई से मैंने आपको मिलवा दिया, तो अभी हम जाके बैठेंगे आराम से, वहीं बैठना है। और ये जो जोन है ना जहां मैं आपको दिख रहा हूं, यहां पे अलाउड नहीं है, मतलब बॉयज़ अलाउड नहीं है आज यहाँ पर, ओनली गर्ल्स, और गर्ल्स का ही सब कुछ कर रखा है प्रोग्राम, एज हम ओनली 6 कोच आए हुए हैं जो अलाउड है, वो भी टीम लेके, नहीं तो हमें भी आज अलाउड नहीं था। अब गर्ल्स की टीम लेके आया हूँ, तो मैं इसलिए
अलाउड हूँ। तो 6 बजे 6 कोच आए हैं और उसके बाद कोई नहीं आएगा, तो चलो बैठते हैं अपनी टीम के साथ और वहाँ से हिलना नहीं आज। सबको गुड मॉर्निंग। अच्छा ये द्वारका वाले सारे आज तो टाइम से बस में आए। तो द्वारका और तुम्हारी, तुम भी द्वारका, तो ओनली द्वारका चमक रहा और कोई नहीं चमक रहा यहाँ ग्राउंड पे। इधर भी द्वारका और सामने भी द्वारका। तो सब आ गया, आज इनके सीनियर्स का मैच है। किसकी साइड हो तुम? अपनी टीम की साइड, दूसरी टीम की साइड? ठीक है, तो आज ही अपनी टीम को जिताए। शिवानी को दिया है सब कुछ संभालने के लिए। शिवानी सब कुछ अच्छे से संभालना है, ठीक है? कुछ गड़बड़ हुई पिटेगी, ठीक है? तो ये कह रहे मेरे को लो, तो ये मेरे, तू मेरे दूसरे व्लॉग में है ना, ये खाटू श्याम भी गई थी, वही लड़की जो बहुत सारा बड़ा सा बैग लेके, हाँ पहचान लिया। चलो अब द्वारका वालों से तो मिलिए, द्वारका के बाद चलते हैं। ये लेके आया सबको, इनको इनका हेड है, क्या नाम था मैं भूल गया तेरा नाम, सरवन कुमार, गोलकीपर है ये इनका। हाँ, और अब चलते हैं अपनी टीम के पास, हमारी टीम वाले देखते क्या कर रहे हैं। क्या कर रहे हो भाई? ये बैठे सब शांति से, आराम से बातें कम करनी है। हाँ जी बोलो। शाहपुर जट आधे यहाँ बैठे हुए, आधे वहाँ बैठे हुए यार। सर के साथ आए। अच्छा हाँ, जो सर के साथ आए थे अभी दिखाए थे, ये नए बच्चे, न्यू बैच है, इनकी सीनियर्स का मैच है ना आज। किसकी साइड हो? अपनी टीम की, दूसरी टीम की? हाँ जिताने ना, तो देखते कौन जीतेगा। ये भाई हमारे विक्की के सारे स्टूडेंट, और विक्की की दूसरी टीम अभी आ रही है, तो अभी तैयारियाँ चल रही है, वर्कर लगा रखे काम के लिए 5-6 तो बच्चे लगे हुए सब। अभी इन्होंने यहाँ पे बोल से ओटीएचएल लिखा था, तो यहाँ से इन्होंने वहाँ कर दिया इसको ट्रांसफ़र, दूसरी साइड वहाँ शिफ्ट कर दिया है। ये हमारा रोहित मेहनती लड़का बहुत और पिंटू like तो ये शिवानी और रोहित, और हमारा मेहनती लड़का भी दिखाता हूँ मैं आपको, पिंटू जो हर जगह सबसे आगे रहता है उससे मिलवाते हैं, वहाँ पे प्लेस कर दिया। अभी देखना कैमरे में आती स्माइल, लड़के की स्माइल दिखाता हूँ मैं अभी आप। ये यहाँ सब रेडी हो रहा है और सब तैयारियाँ चल रही है, सर भी आ गए वाइट टी शर्ट में, और जिन्नी भाई बुला रहे तो उनके पास जाता हूँ। पता किससे मिलोगे? आज आ रही है इंटरनेशनल प्लेयर, ठीक है, इंडिया टीम की कैप्टन। हाँ तो रानी रामपाल, क्या आप बहुत किस्मत वाले हो कि आप आज पहले ही, अभी तो खेलना स्टार्ट नहीं करा है, मतलब ग्राउंड पे उतरे नहीं है, और उनसे मुलाकात होगी आपकी है ना, तो आज वो अपने बारे में भी बताएगी, मतलब खिलाड़ी आएगा तो बताएगा ना कि मैंने कैसे स्ट्रगल किया, कैसे मुझे क्या मिला। तो आप सब मिलोगे और आप सबको एक छोटा छोटा प्राइज भी मिलेगा। हाँ लेकिन जो बातें करेगा उसको नहीं मिलेगा, पहले बता रहा हूँ। तो चुपचाप बैठ रहे ना बिल्कुल, वो कहाँ है आरती, वो देखो कोने में बैठी है, वहाँ भी उसको टेढ़ा मेढ़ा मुँह बनाना है और कुछ काम नहीं है। तो खाना वाना लायो, ठीक है, अपना खाना वाना खा लो। आज इस लड़की का बर्थडे है और ये पार्टी नहीं दे रही किसी को ना, बड़ी गंदी लड़की है। और सब, और कोई टॉफी बांटता ना, सबकी टॉफी खा जाती है, एक की जगह 4 टॉफी लेती है। अभी किसने बांटी थी लास्ट टाइम, किसका बर्थडे था? हाँ दृष्टि का, दृष्टि की 4 टॉफी खा गई, पता है मेरे, याद है। देखो अब शकल छुपा रखी है, इसको हम कपाट बोलते हैं, सिर्फ मैं बोलता हूँ, कोई और नहीं बोलेगा। क्वेश्चन है, हाँ बोलो। छोटे छोटे मेडल्स नहीं मिलेंगे बेटे, प्राइज मिलेगा, क्योंकि आज आज इसका आरुषि का बर्थडे है ना, इसलिए सबको प्राइज मिलेगा, ठीक है? हाँ हाँ देना तो इसको चाहिए, कोई नहीं, तो सबको सर देंगे, जो भी देंगे, टी शर्ट देंगे, कुछ भी। हाँ ठीक है, ये तो सबको पता है कंजूस है, किसी के बैग में से खाना चुरा के खा जाती है। हाँ देखो सबको पता है। और ये मंजू और क्या नाम है, भूल गया, नाम भी भूल गया, देखो मंजू और मनीषा दोनों आ गए। और ये हमारा पिंटू मेहनती लड़का, जिससे मैं पहले नहीं मिलवा पाया था, देखो इसने कितनी मेहनत करी। बोल बोल से क्या बनाया है?
कहाँ दिख तो नहीं रहा, ओ यहाँ से दिख रहा है ओटीएचएल। ओटीएचएल बनाए देखो कितने अच्छे से इन्होंने सजाए, सारी पिंटू की मेहनत है ये सारी। अच्छा ये बारिश में छाता ले लिया इसने, जिस चीज का डर था वही हुआ, बारिश आ गई और अभी कुछ देर के लिए बच्चों को और वेट करना पड़ेगा मैच के लिए, प्रोग्राम के लिए। बड़ी तेज, ये देखो ये बैठी ना, ये बर्थडे बर्थडे गर्ल आरुषि, इसका इसका है ना जाते टाइम रामपुरा में केक काटेंगे गाय के गोबर से और इसको खिलाएंगे, इसको खिलाएंगे सब, ठीक है। और देखो बारिश कितनी हो गई है, ये कोमल नागिन आई है और देखो ग्राउंड में पानी भर गया फुल। गाइस आगे की व्लॉगिंग आज मैं करने वाली हूं भैया की, ये जादू ये स्टार्ट हो गया है। बारिश का वेट किया थोड़ा लेकिन बारिश अभी भी आ रही है धीरे धीरे, काफी टाइम हो गया 10:30 हो गए इसलिए एक डेढ़ घंटे वेट किया, उसके बाद स्टार्ट कर दिया है ओपनिंग। मार्चिंग कर रहे हैं बच्चे, इसमें अलग अलग स्कूल के बच्चे हैं, पटेल नगर, द्वारका, शाहपुर जट, स्टार्ट हो गया है और ड्रिल्स बना रखी है जगह जगह। वो देखो वो वार्म अप ड्रिल्स है, ये हॉकी बॉल के साथ है, यहाँ भी ये करके दिखाएंगे अभी बच्चे। एक ये ड्रिल चल रही है इधर अलग से, और बच्चे दिखाता हूँ मैं आपको, ये बैठे हुए हैं। नमस्ते, ये ओए फोन में क्यों लगे हो, ये बच्चे कहाँ गए थे तुम, ये गिटोरनी, ये सब अपनी सेहत पे ध्यान दे रहे हैं, ध्रुव के साथ हैं और ये विक्की वाले सारे बच्चे, ये शाहपुर जट, बस इंजॉय करो सब। और ये रामपुरा बैठे हैं आराम से, ये जनकपुरी के अभिषेक के शिकारी, अब आया तू अभी आया, ये सबसे लेट देख लो, और ये सीनियर है इनका सबका, बाकी कहाँ रह गए, और ये कैमरे के आगे सारे आ गए हैं, बच्चे परेशान हो गए बैठे बैठे इसलिए काफ़ी देर से। और देखो बारिश में भी मैच हो रहा है, द्वारका 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 द्वारका, और ये गिर गई, ये देखो ये रामपुरा की ड्रामा है, ड्रामा ये देखो पागल उस्ता। और ये द्वारका की टीम जीत गई, शाहपुर जट को हरा दिया इन्होंने, और ये खुशी मनाते हुए बच्चे और ये हमारी असली आवाज और ये हमारी असलू की लड़की रो रही है बेचारी, कोई नहीं तेरे को ससुराल भेज देंगे, ठीक है, रो मत ठीक है। और स्टेडियम से निकल चुके, बारिश ज्यादा हो रही है थोड़ा सा, सब भीग रहे हैं, बस की वेट में खड़े हैं, तो सब सोच रहे थे कुछ मिलेगा लेकिन बच्चों को कुछ मिला नहीं, कोई बात नहीं, पीछे पीछे का हो रही है। और अब बढ़िया मौसम हो रहा है, सारे भीग भी गए स्टेडियम से यहाँ आ गए, और अब बस पकड़ के घर जाएंगे, लेट हो रहे हैं सब, 12 बज गए। ये देखो जीत के आए हैं लेकिन बिना मैच खेले मेडल मिल गए इनको, बारिश अच्छा अच्छा और देख लो सब बस में बैठे भीगे हुए हैं, सब भीगे हुए हैं, और ये इसको नींद भी आ गई, खा पी के सो गई, सबसे ज्यादा सोती है।
हेलो गाइस। और हम पहुंच गए रामपुरा। बच्चे मौसम के हिसाब से कह रहे समोसे खाएंगे, तो सबके लिए एक एक समोसा ले लिया, कुछ मिल गए कुछ यहाँ से ले रहे हैं। ठीक है, अब पहुंच गए स्कूल में, लाइन बनवा दी, समोसे खाने के लिए सब तैयार है। मौसम के हिसाब से समोसे आ गए हैं, बाकी आधे समोसे आ गए आधे अर्चना ला रही है, कम पड़ गए एक दुकान पे। तो मुझे लाल ऐसे डालो, ये देखो फरमाई, साइड होके खाओ, चलो इसमें समोसा घुसाओगे वीडियो में। शेयर कर लेना, चटनी कम पड़ जाए तो। समोसे की पार्टी हो गई है, और ये देखो लाल, देख नियत, देख कैसे नियत खराब है। और ओए, ये आरुषि के बर्थडे पे सबने समोसे खा लिए, तुम्हें आरुषि की तरफ से पार्टी होगी, ठीक है ना। तो बच्चों को छोड़ के समोसे वमोसे खा लिए थे, तो मैं स्पोर्ट्स रूम वगैरह में, स्टाफ रूम में गया स्कूल के, तो वहाँ बज रहे थे गाने, तो वहाँ मैं कई देर, आधा घंटा वहाँ लगा लिया, मैं इनको भूल गया, बाहर वेट कर रहे हैं, तो ये मेरे को बुला के लाए, तो अभी भी सर तो गाने बजा रहे थे। उसके बाद मैं बस पकड़ के अब जाता हूँ घर, 2 बज गए, सारा दिन ख़राब हो गया आज यहीं पे, तो जाकर रेस्ट करते हैं, फिर शाम को जिम जाना है। बारिश अभी भी बंद नहीं हुई है और घर आ गया, 3 बज गया, सारा दिन वहीं लग गया। अब थोड़ा 2 घंटे, 1-2 घंटे रिलैक्स, थोड़ा डाइट लेके फिर अपने जिम जाना है। और सारी गलियों में पानी भर गया आज तो, बारिश बढ़िया हो रही है। जुबेर कल से स्कूल खुल गया क्या तेरा? हाँ। कल से बेटे स्कूल जाना तेरे, तो चलो घर आ गए। और घर जाने के बाद सो गया था, क्योंकि ना थक गए ज़्यादा बारिश में, ऐसी नींद आ रही थी क्योंकि सुबह जल्दी उठ के गया था। तो चलो जिम आ गया हूँ, जिम करके फिर थोड़ा सा टाइम भी कम है आज क्योंकि लेट हो गया, 9 बजे आया हूँ, और जिम करके फिर फटाफट घर जाना है क्योंकि 1 ही घंटा है मेरे पास जिम के लिए, क्योंकि वैसे तो मैं 8 बजे आता हूँ, आज 9 बजे आया हूँ तो लेट हो रहा हूँ। तो चलो अंदर चलते हैं। तो लेट हो गए, वार्म अप का तो समय, मतलब ट्रेडमिल का तो टाइम है नहीं, तो फटाफट शोल्डर की एक्सरसाइज करनी आज, तो शोल्डर करते स्टार्ट। जिम करके जा रहा हूँ घर पे, और है ना सारे में कीचड़ कीचड़, पानी पानी हो गया है, इतनी बारिश हुई है। मौसम हो गया लेकिन अच्छा, ये हमारे कोच साहब आ गए, जेरी गगन, हाँ तो कोच साहब बाय बाय, ये अपना यार गगन जो स्कूल में हमसे जूनियर है, और अब जिम में मुलाकात हुई है कम से कम 6 से 7 साल बाद। तो हमारा अब ये जिस जिम में मैं जाता हूँ ना, वहाँ एक कोच है, तो अपना यार गगन उर्फ चेरी चला गया, सब बंद करके आया जिम को बिल्कुल, और देखो पानी पानी हो गया सारे में, कीचड़ कीचड़, जगह जगह कीचड़ हो गया।